गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। इन माय प्रीवियस वीडियो वी हैव रेड ईवीएस क्लास थर्ड चैप्टर 9। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इट्स रेनिंग। नाउ टुडे वी विल सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द सेम चैप्टर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में हमने ईवीएस क्लास थर्ड का चैप्टर 9 जिसका नाम इट्स रेनिंग है उसकी रीडिंग की थी, उसको पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन करेंगे। सो हाउ डिड अप्पू नो दैट द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर। हाउ डिड अप्पू नो दैट द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर। अप्पू को कैसे पता चला कि जो बनाना के ट्री, जो केले के पेड़ हैं, उनको क्या चाहिए था? पानी चाहिए था। सो द आंसर इज बनाना ट्रीज वर ड्रूपिंग। जो केले के पेड़ थे वो क्या हो रहे थे? सूख रहे थे। दिस मेड अप्पू नो दैट बनाना ट्रीज नीडेड वाटर। जिससे कि अप्पू को पता चला कि ये सूख रहे हैं, इसलिए इनको क्या चाहिए? इनको पानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड योर हाउस। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो आपके घर में कहाँ कहाँ उग रहे हैं। सो द आंसर इज द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड माई हाउस गेट वाटर फ्रॉम रेन। यहाँ पर यह पूछा गया है कि जो आपके आसपास हाउस के आसपास क्या है, ग्रोइंग अराउंड योर हाउस, उनको पानी कैसे मिलता है? जो आपके जो घर के आसपास प्लांट्स उग रहे हैं वो कहाँ से पानी लेते हैं, कहाँ से उनको पानी मिलता है, ये होगा इसका। सो द आंसर इज द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड माई हाउस गेट वाटर फ्रॉम रेन। कहां से लेते हैं? बारिश से लेते हैं। जब बारिश होती है तब उनको पानी मिलता है। जो हमारे घर के आसपास, जैसे आप बहुत प्रकार के वो देखते होंगे, जो पौधे पेड़ पौधे जो होते हैं जो घर के आसपास होते हैं, उनको पानी हम देने तो नहीं जाते हैं ना रोज, तो उनको कहां से मिलता है? उनको पानी बारिश के पानी से मिलता है। अपू ड्रैंक वाटर फ्रॉम द रिवर टिल ही वॉज हैप्पी। हैव यू सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर वियर। इसमें बोला गया अप्पू ड्रैंक, अप्पू ने पानी पिया कहां से? रिवर से, नदी से, जब तक कि वो क्या नहीं हो गया, खुश नहीं हो गया था। हैव यू सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर, आपने क्या जो जानवर है उनको पानी पीते हुए देखा है? और अगर देखा है तो वेयर, कहां पे देखा है? सो द आंसर इज यस आई हैव सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर। वेयर, वेयर का आंसर हो जाएगा इन पॉन्ड वाटरफॉल ड्रेन। कहां पे देखा है? पॉन्ड, पॉन्ड का मतलब तालाबों पर देखा है हमने। वाटरफॉल जहां पर पानी आता है, ये ऊपर से जो बहता है उसको वहां पर देखा है। और ड्रेन, ड्रेन मतलब नालियों में, हमने नालियों में भी जो जानवर घूमते रहते हैं वो नालियों में भी पानी पीते हैं, ऐसे डॉग्स वगैरह नालियों में भी पानी पीते हुए दिखाई देते हैं। हैव यू एवर गिवन वाटर टू एनी एनिमल, क्या आपने कभी किसी जानवर को पानी दिया है? इफ यस, अगर हाँ, विच एनिमल, तो वो कौन सा एनिमल है? सो द आंसर इज यस, यस आई हैव एवर, यस आप इसमें लिख दीजिए, यस आई हैव एवर गिवन वाटर टू एनी एनिमल। हाँ, मैंने किसी क्या है जानवर को पानी दिया है। अब इसमें आया इफ यस, तो यस हमारा आंसर है। सो विच एनिमल, कौन से, किस आदमी को दिया है? आई गेव वाटर टू अ काउ, मैंने किसको दिया था? गाय को पानी दिया था। एंड अ डॉग, और किसको दिया था? एक कुत्ते को दिया था। सो द आंसर इज यस आई गेव वाटर टू अ काउ एंड अ डॉग। एंड द नेक्स्ट इज सम एनिमल्स आर नॉट गिवन वाटर बाय एनीवन, फ्रॉम वेयर डू दे ड्रिंक वाटर। इसमें बोला गया कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको कोई पानी नहीं देता, तो फिर वो पानी कहां से पीते हैं? द आंसर इज दे कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम ड्रेन, कहां से? ड्रेन्स जो नालियां होती हैं उनसे पीते हैं, पॉन्ड्स तालाबों से पीते हैं, एंड रिवर्स, और रिवर्स से पीते हैं। तो कहां कहां से पीते हैं? नालियों से पीते हैं, तालाब से पीते हैं, और रिवर्स यानी कि नदियों से वो पानी पी लेते हैं। नेक्स्ट, यू रीड इन द स्टोरी दैट अप्पू वाटर द बनाना ट्री। आपने इस स्टोरी में पढ़ा कि अप्पू ने किसको पानी दिया? बनाना ट्री को, केले के पेड़ को। बट एलिफेंट डू नॉट वाटर, डोंट वाटर ट्रीज, मगर जो क्या होते हैं, जो एलिफेंट हाथी होते हैं, वो ट्रीज को आमतौर पर पानी नहीं देते हैं। देन वेयर डू प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम, तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनको पानी कहां से मिलता है? प्लांट्स मोस्टली गेट वाटर फ्रॉम रेन, वो प्लांट्स को, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जो पानी होता है वो मोस्टली
सबसे ज्यादा किससे? रेन से मिलते हैं, क्योंकि ऊपर से बारिश होती है तो उसी से वो पानी लेते हैं। व्हेन इट रेन्स प्लांट्स सीम टू गेट अ न्यू लुक, और जब उनको पानी मिलता है तो क्या होते हैं, उनमें नए नए पत्ते हो जाते हैं, जिससे कि वो पहले सूखे होते हैं फिर हरे भरे हो जाते हैं और एक अलग किस्म के उन दिखाई देते हैं और एक नया लुक उसमें आ जाता है। लेट अस रीड। ओके सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर प्रॉपरली, सो यू कैन राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द सेम चैप्टर इन योर नोटबुक एंड सेंड मी द फोटोज ऑफ योर सॉल्यूशंस। If the video is helpful to you, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.